मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप, मैं गलत नहीं कहता, मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं मंदिर में गुरुद्वारा में दोनों जगह जाकर मैंने काम करके मैं उनकी बात कभी गलत नहीं कहूंगा। मैं उस विश्वास से आपको कह रहा हूँ कि 20 गांव में मैंने घर घर का पढ़ किया, तो कभी तुम्हारे दादा बाप की नहीं देश रणजीत सिंह पढ़ी लिखा कुछ लात मारने की कोई देख नहीं कि ये रणजीत सिंह की मेहरबानी है, हजारों साल ये दरिया चलेंगे। और ये जो 12 गांव है ना जिसमें अब पानी और दे दिया, जिनका पैसा सेंक्शन कर, जिनके टेंडर होके कोई नहीं रुक सकता। सरकारें बदल जाए तो ट्रेन बंद थोड़ी हुआ करती है, सरकार बदल जाए तो थर्मल बंद नहीं होते। सरकार ने पैसा दे दिया, अब आपके वो पाइप लाइन डलेंगे 12 गाँव का, हबोली और आपका गोविंदपुरा कोटू, इसके बाद अबूतगढ़ जरूर और इसका सुल्तानपुरिया, उसके बाद धोतर बंगे रानी 12-14 गाँव में घर का पानी आएगा, रानिया शहर वाले सुन लो आकर तो वो उसका ट्यूबवेल का पानी पीते रहे। आपका हो गया मामला सरकार का आगे पीछे हो जाता है, टेंडर हो गया अब आपका काम शुरू होने जा रहा है, एक एक साई सब भी तुम्हारा ओके हो गया। अब इसके बाद कुटावट का पुल जो कभी तो जो देवीलाल ने बनाया था, आज यहाँ का कुटा बना का दो पुल जो घग्गर के ऊपर बनाए, उन्होंने एक बनाया रणजीत सिंह के बुला कर दो पुल बना दिए, घग्गर के पुल बनाना मोटी और इसके बाद आपका ये ठीक है। थोड़ा सा मैं भी इस बात पे आपसे स्पष्ट कर दूं, ये एक कोई स्टेज के काम नहीं था कि शहर से कोई आरटीए लगा देते हैं, थोड़ा सा इसमें जो बीच वाला ये क्या कहते हैं डिवाइडर की वजह से थोड़ी तकलीफ की, उसकी मैं माफी मांगता हूँ, किसी और ने गलती नहीं करी। ये जिसने भी आरटीए की दरखास्त कर दी उस आदमी की गलती से थोड़ा मुझे नुकसान होना पड़ा, पर आपसे बता रहा हूँ चुनाव होते ही मैं इसको करवा के दूंगा। जितने रानिया में कोई और काम रहे कि वो सारे में करवा के दूंगा। और पूरे हल्के में रानिया में अगर रिकॉर्ड से निकाल के देखो तो पिछले 5 साल में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आएगा। इसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि हर गांव में आप अगर देखेंगे, हर किसी गांव में आप ये जरूर महसूस करते होंगे कि रणजीत सिंह तुम्हारे गांव में खड़ा सांस ले रहा है, तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारी सुख में भी, तुम्हारे दुख में भी, बिना रणजीत सिंह आपको एक बार और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ, रानिया हल्का पानी नीचे चला गए, लोड बढ़ा दो, कभी कोई नहीं कर सका, कोई मुख्यमंत्री रह के भी नहीं कर सका। भाई मैं आपसे ही बताऊं कि जो आपका डर जो उनका काम करा था, इसका तोड़ने का काम मैंने कहा नहीं, अपना लोग बताऊ पिछले तोड़ने का काम करा, बहुत बड़ा काम करा। अब गगन की बात से एक बात कह दू, आप उधर गए थे, अभी मेरा जवाब था, आप आदमपुर हल्के में गए थे, सदनपुर सबसे बड़ा गाँव है, वहां 7,000 के बीच बदलाव को मिलती है, और इस चुनाव में भी मुझे वहां केवल 526 वोट की मिली, और पिछला जब भव्य विश्वल का चुनाव था तो उसे 6,000 की लीड मिली, मतलब वो गांव 7,000 की लीड रहते हैं, ऐसे चौधरी वाला को 10 गांव बजरंग को 30,000 वोटों से आगे कर देते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन गांव को मैंने पानी दिया या जिस शहर को मैंने हर दुख तकलीफ में रखा हुआ, अगर मुझे इन गाँव से उन गाँव में बताना था बजरंग जी के उन गाँव में आज तक कर लो, मैं नहीं मांगूंगा। वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे सदनपुर चौधरी थाना बरवाड़ा में, वो गग्गर का पानी, गग्गर को चलो दूर थी, दूसरा वाखड़ा का पानी भी नहीं देश का, बल्कि वंशिला में तो अपने इलाके में दे दिया, भजनवाद नहीं दे सकते, ये मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, ओम प्रकाश जी भी नहीं कर सकते। गग्गर का पानी मैंने 32 गाँव में दिया, ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और आपसे बताऊं अगली सरकार कैसे बनेगी, कौन उसमें भागीदार होंगे, एक बात का मैं वायदा करके जाता हूँ, अगर कोई फैसले में रणजीत सिंह की कहीं हिस्सेदारी हुई तो एक बात का मुझे राम गोपाल के नौकरी ले लेके अब के नौकरी वाला ताला मैं तोड़ूंगा, मैं तुम पर बना दूंगा। और अब आप सबसे एक मेरा निवेदन है, बहुत लंबी बात कह गए थी, एक तो सारे के सारे जरूर फड़ा के ऐसी कोई गाड़ी बीच में दाएं बाएं नहीं निकलेगी, खाने का प्रबंध करा, आगे जब गाड़ियां जाएंगी तो हमने बड़ी गांव के पास, मतलब यहाँ से हम 40 मिनट में जा लेंगे, 45 मिनट में बड़ी के अंदर गाड़ियां जाएंगी तो फोर व्हीलर खड़ा होगा, पैकेट बने हर गाड़ी में 4-4, 5-5, 7-7 जो गाड़ी में जितने लोग बैठे हो तो पैकेट देते जाए, और वो पैकेट लेके चलते जाए, अपना गाड़ी में खाना खाए,
और हमारा चलना जो है मामला वो सुस्त नहीं और रुके नहीं और पूरे काम फिर मैं शाम तक हमारा ऐसा जरूर चले। आज की यही दिन की तपस्या रानी आजमे के लिए देर की है, आपकी हमारी सबकी किस्मत के लिए बहुत बड़ी होगी। मैं संते निवेदन करता हूँ कि शाम तक हमारा जरूर शासन चले। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जीतने के बाद सब कसर निकालू मैं रणदीप को जवान देता हूँ आपसे बात कर रखा हूँ। धन्यवाद। चौधरी रंजीत सिंह।